हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी गर्ल। आज की हमारी रेसिपी है मलाई कोफ्ता इन अ हेल्दी वर्जन। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी ऑफ कोफ्ता। वी हैव अ सोया पनीर, बॉइल्ड पोटैटोस, उबले हुए आलू, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च। सबसे पहले हमने अपने आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। हमने अपना पनीर भी कद्दूकस कर लेना है जैसे कि आलू किए थे। ये हमारा टोफू पनीर है, सोया पनीर, विच इज़ अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ कॉटेज पनीर चीज़। हमने अपने टोफू पनीर को आलू में ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, सम धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और नमक स्वादानुसार। हमने अपने सूखे मसाले मिक्स कर लेने हैं। उसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद हमने ऐड करनी है थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली बारीक कटी हुई। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हम इसके कोफ्ते बना सकें, छोटी छोटी बॉल्स बना सकें। बाद हमने अपने कोफ्ते की बॉल्स बनानी है मीडियम साइज। और इसको कॉर्न स्टार्च में रोल करना है। रोल करने के बाद इसको ऐसे ही हमने कई साइजेस के बॉल्स बना लेने हैं। हमने अपने सारे बॉल्स इसी तरह रेडी कर लेने हैं। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम इसका हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, तो अगर आपने फ्राई नहीं करने तो हम इसको अप्पम स्टैंड में, अप्पम पैन में भी पका सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको फ्राई करना है कि अप्पम पैन में थोड़े से ऑयल में पकाना। हमने अपना तेल गरम कर लिया है हाई फ्लेम पे, लेकिन हम जब बॉल्स फ्राई करेंगे तो उसको हम हाई एंड स्लो एंड मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्राइंग। हम एक टाइम पे 3 से 4 बॉल्स को अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्राई करके बना रहे हैं, मैं आपको 3-4 बॉल्स अप्पम पैन में भी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमने एक साइड पे अप्पम पैन भी गरम कर लिया। एक साइड पे हमारा बॉल्स फ्राई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हम इसको अप्पम तवा पे बनाएंगे। अप्पम तवा का मीडियम स्लो रखना है बनाने के टाइम। इसमें हमने 1 स्पून ऑयल इन 3 बॉल्स ऐड किया है। ऐसे ये एक साइड से जब पक जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे ये बॉल्स रेडी हो गए हैं, हम इसको एक पेपर प्लेट पे निकाल लेंगे। आपने देखा हमारे अप्पम पन तवा वाले भी दोनों साइड से बॉल्स पक चुकी हैं, हम इसे भी निकाल लेंगे। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आप फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो वो भी, अगर आप जैसे हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया यू हैव मेक योर विद द टोफू पनीर बॉल्स रेडी हैं। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। ग्रेट पैन में पानी बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्च ये सब ऐड कर देंगे। साथ ही हम 1 कटोरी काजू इसमें ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने तक
इसको पकने देंगे। आप देख रहे हैं हमारे अनियंस बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सी में डाल के इसको इसका पेस्ट बना लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से ताकि इसकी प्यूरी बन जाए। इस तरह हमने अपनी पेस्ट रेडी कर लेनी है। नाउ हम इसका तड़का लगाएंगे, यानी कि मलाई कोफ्ता की हम ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में तेल थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें जीरा, दालचीनी, लौंग और खड़े मसाले ऐड कर लेंगे और इसको सॉटे होने देंगे। अगर आप जिंजर भी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मैं जिंजर ऐड नहीं कर रही हूँ। तड़का रेडी हो जाएगा, हम इसमें अपनी ग्रेवी ऐड कर देंगे, ग्रेवी को पकने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसमें होममेड मलाई ऐड करेंगे, नॉट क्रीम, क्योंकि हम इसको हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें होममेड मलाई ऐड करेंगे, होममेड मलाई जिसको मैंने दूध के साथ बीट कर लिया है, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार। हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो है फेंटा हुआ दही। ये फ्रेश कर्ड है जिसको मैंने फेंट लिया है, इसको हम ऐड करेंगे और देंगे जब तक ये अपना घी ना छोड़ दे। देख रहे हैं मेरी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, अभी ये घी छोड़ेगा। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और कसूरी मेथी, हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं एंड इस तरह हमारा मलाई कोफ्ता रेडी है। नाउ हम इसको परांठा के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ मलाई कोफ्ता इन हेल्दी वर्जन विद टोफू एंड मलाई। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, बाय बाय।